ॐ अचतप्राजितप्रियमेधासोवाद्यत हरचन्द्रपुत्रगा पुनर्नत विष्णुरर्चत
नर परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धेय दर्शन के श्री स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज 10 वर्ष 8 महीने के थे, 11.5 वर्ष, और कुरुक्षेत्र में जब मिलना हुआ है भगवान का ब्रजवासियों के साथ, भगवान के विवाह हो गए हैं, बेटे हो गए हैं, बेटों के विवाह हो गए हैं, उनके बेटे हो गए हैं, लगभग भगवान की अवस्था 100 साल की हो गई थी। आप कल्पना करें ब्रजवासियों के प्रेम का। ब्रजवासी लोग एक एक दिन करके रोज भगवान के लिए तैयारी करते थे, रोज प्रतीक्षा करते थे, और नहीं आते थे तो निराश हो जाते थे, अगले दिन फिर तैयारी करते थे। वर्षों तक ये क्रम चला। आज नंद बाबा अपना शिविर लगा रहे थे, तब तक पता लगा श्री कृष्ण बलराम भी द्वारिका से आए। नंद बाबा ने पता लगाया उनका शिविर किधर है, तो बोले वो पश्चिम दिशा में उन्होंने शिविर लगाया है। नंद बाबा का शिविर था पूर्व दिशा में। नंद बाबा ने सोचा रोज आने जाने में समय जाएगा, तो अपना शिविर भी उखाड़ के लाला का शिविर जहां लगा वहीं लगा दो। शिविर को उखाड़ रहे थे उसी समय कृष्ण बलराम बाबा से मिलने आ गए। इतने वर्षों बाद कह के तो गए थे वृंदावन से कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। बलराम जी बीच में आए हैं वृंदावन, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए। क्यों नहीं आए वो एक अलग चर्चा है, उस विषय पे अपने को अभी नहीं जाना है। तो महाराज इतने वर्षों के बाद नंद बाबा ने देखा श्री कृष्ण बलराम को, और वो दोनों भी दौड़ते हुए आते हैं, बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। बाबा ने दोनों को उठा करके हृदय से लगा लिया और प्रेम से अश्रुपात करने लग जाते। बहुत देर तक बाबा से मिलने के बाद बाबा से कन्हैया ने पूछा, बाबा मैया भी आई है? हाँ लाला मैया भी आई है। कहाँ है? तो बोले शिविर में बैठी है, यशोदा जी तो मौन रहते थे, क्या करें। कन्हैया ने कहा बाबा मैया से मिल के आता हूँ। बोले हाँ लाला जाओ। जाते हैं तब महाराज जब जाते हैं वहां से मैया के शिविर में, शिविर के दरवाजे पर खड़े हो गए, यशोदा मैया अंदर है। यशोदा जी अचानक दोनों को देखती है, श्री कृष्ण बलराम को। यशोदा जी को अपने पर भरोसा नहीं होता कि वास्तव में श्री कृष्ण बलराम ही खड़े हैं क्या, या मेरा मन कृष्ण बलराम बन के खड़ा है। क्योंकि कोई सूचना नहीं थी, इतने वर्षों की प्रतीक्षा थी। यशोदा जी को लगता है मैं स्वप्न देख रही हूँ, या मेरा मनोराज्य है, या मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ है। कृष्ण बलराम दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं? अब भगवान कृष्ण बलराम समझ गए कि मैया को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि हम आ गए, इतने बड़े हर्ष की बात भरोसा नहीं हो पा रहा। श्री कृष्ण बलराम अंदर गए, मैया को प्रणाम किया, तब उनको लगा कि हाँ वास्तव में कन्हैया आ गया है। आशीर्वाद दिया और इतनी बड़ी अवस्था में कृष्ण बलराम दोनों को उठा करके गोद में बैठा लिया। आंखों से अश्रुपात होने लग जाता है, वक्षस्थल से दुग्धस्राव होने लग जाता है। अभिषेक कर दिया कृष्ण बलराम का दूध और आंसुओं को मिला करके। यशोदा जी रोने लग जाती है, इतने वर्षों के बाद श्री कृष्ण का मिलन। घंटों भगवान बैठे रहे मैया के पास, और वास्तव में देखा जाए तो 11 वर्ष तक की जितनी बाल लीलाएं हैं उनका आनंद तो यशोदा जी को ही दिया है ना, देवकी मैया को तो मिला ही। सारा बाल लीला का रस यशोदा जी की स्मृतियों में है। आज जो सारी लीलाएं उनके चारों तरफ स्मृतियों के रूप में विचरण कर रही हैं। इधर क्या हुआ कि देवकी मैया रोहिणी मैया बहुत देर हो गई कृष्ण बलराम लौटे नहीं, वो खोजने लग गई दोनों कहां गए। आज पहला अवसर है जब बालक एक है और माँ दो है,
श्री कृष्ण देवकी मैया कहती हमारे लाला हैं, यशोदा जी कहती हैं हमारे लाला हैं। आज दोनों माताएं मिल गई, देवकी और रोहिणी दोनों खोजती हुई जाती हैं कन्हैया को, पहुंच जाती हैं यशोदा जी के पास। यशोदा जी को प्रणाम किया दोनों ने, और अब रहस्य का पता लगा कि वास्तव में ये बच्चे तो देवकी मैया के ही थे और चोरी चोरी यहाँ आ गए थे, मैंने पालन पोषण किया। देवकी मैया ने यशोदा जी को कहा कि वास्तविक माँ तो आप हैं, अगर आप इन बच्चों का पालन पोषण नहीं करती तो आज ये बच्चे मेरे साथ नहीं होते। 11 वर्ष तक जिसने पालन पोषण किया वास्तविक माँ तो वही, जन्म से लेकर 11 वर्ष तक। रोहिणी और देवकी दोनों यशोदा जी को प्रणाम किया, बड़ी कृतज्ञता ज्ञापित की। इधर गोपियों को पता लगा कि श्याम सुंदर आए हुए, गोपियां दौड़ के जाती हैं, पता लगा कहाँ है, मैया के शिविर में है, बाहर जाके खड़ी हो गई। कन्हैया मैया के पास है तो अभी हम बाधा नहीं डालेंगे, कितना प्रेम और कितना धैर्य समर्पण। इतने वर्षों के बाद वही कन्हैया है जिनको गोपियां माखन के लिए नाच नचाती थी, जिनके साथ अनेक लीलाएं करते थे, जिनको महाराज कभी कभी परेशान भी करते थे, कभी कभी आनंदित भी करते थे, वो बाल लीलाएं इतनी गोपियों के साथ किए, वो गोपियां और जिनके साथ महाराज तक की लीला की, वो गोपियों का प्रेम और उनका धैर्य। यशोदा मैया के पास कन्हैया बैठे हैं तो अभी बीच में हम बाधा नहीं डालेगी, ये प्रेम, इसका नाम प्रेम है। प्राय आप गोपियों का जीवन देखेंगे ना, आपको पता लगेगा प्रेम कहते किसको। ये दुनिया में आजकल जो प्रेम प्रेम चिल्लाते हैं ना, वो प्रेम नहीं होता है, वो स्वार्थ होता है, वो स्वयं की कामनाएं होती है। प्रेम में तो बलिदान है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपनों तो चलो हमारे साथ। ये प्रेम का रास्ता है, बलिदान का रास्ता है, न्यौछावर का रास्ता। गोपियों का जीवन सब सब कुछ समर्पित था भगवान के प्रति, लेकिन समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि भगवान के काम में बाधा डालना। गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण को जैसे सुख मिले जैसे आनंद मिले वही हमको करना है। मैया के पास बैठे हैं, जब बाहर आएंगे तब हम मिलेंगे। गोपियां बाहर खड़ी हैं, श्री कृष्ण ने ही अंदर से गोपियों को देखा और देखने के बाद वो भी अपने को रोक नहीं सके। भगवान कृष्ण मैया को कहा, मैया मैं फिर आता हूँ। बोले हाँ ठीक है कन्हैया। मैया को प्रणाम करके बाहर निकले, बाहर जैसे निकले फिर गोपियां अपने को नहीं रोक सकी, जाकर के प्रणाम करना चाहती थी, भगवान कृष्ण ने उठा के हृदय से लगा लिया। गोपियां फूट फूट के रोने लगे। आप कल्पना करें, इतने वर्षों का वियोग, 11 वर्ष के थे तब गए थे, लगभग 100 वर्ष के हो रहे हैं तब मिलना हुआ है, इतने वर्षों का वियोग और एक एक दिन का प्रतीक्षा। गोपियां अत्यंत व्यथित हो जाती हैं, फूट फूट के रो रही हैं। भगवान कृष्ण सोचते हैं कि इनको मन को कैसे बदले, इतना इनको कष्ट है इस समय वियोग का। भगवान कृष्ण जान बूझ करके थोड़ी नटखट सी बात पूछते हैं, नटखट सा प्रश्न पूछते हैं। अपिस्मरत न सख्य सुरानाम अर्थ चिकीर्षया गतांश्चिरायतान चक्र पक्ष क्षपण चेतसा। अरे गोपियों, मैं किसी कारण से इतने दिन तक वृंदावन नहीं आ सका, और इतने वर्षों में क्या तुमको कभी मेरी याद आती थी? ये प्रश्न सीधा है कि उल्टा है? गोपियों से श्री कृष्ण पूछ रहे हैं, इतने दिन तक मैं वृंदावन नहीं आ सका किसी भी कारण से, क्या इतने वर्षों में तुमको मेरी याद आती थी? गोपियों, ये प्रश्न भगवान जानते थे कि सही नहीं है, क्यों पूछा? या तो गोपियां नाराज होकर झगड़ा करने लग जाएंगी, और या गोपियां हंसने लग जाएंगी, जिससे इनका रोना बंद हो जाएगा। वृत्ति परिवर्तन करने के लिए, मन परिवर्तन करने के लिए भगवान ने ऐसा प्रश्न पूछा, लेकिन शायद भगवान भी गोपियों के मन को पूरा नहीं समझ सके जो उनका भाव था,
जब ये प्रश्न पूछा तो गोपियां और रोने लग जाती, कन्हैया तुम पूछते हो याद करते थे, हम सच बतावे कभी कभी जमुना किनारे जाकर के तुमको भुलाने का प्रयास करती थी, थोड़ी देर के लिए कन्हैया भूल जाए तो हमारा जीवन थोड़ा व्यवस्थित हो जाए, एक क्षण ऐसा नहीं होता था। कितना फर्क, हम लोग श्री कृष्ण को माला लेके याद करने का प्रयास करते हैं और गोपियां श्री कृष्ण को जमुना किनारे बैठ करके भुलाने का प्रयास करते हैं। जमीन आसमान का फर्क। और उसके बाद लोग गोपियों पर विचार करते हैं, गोपियां ऐसी थी। अरे आज के कलयुगी प्राणी, एजुकेशन होने से कोई बड़ी बात नहीं होती है। जहां उद्धव जैसे महापंडित विफल हो गए गोपियों के सामने, आज के एजुकेशन वाले लोग क्या गोपियों के विषय में सोचेंगे और क्या गोपियों के विषय में लिखेंगे। गोपियां कहते हैं कन्हैया हम भुलाने का प्रयास करते थे लेकिन तुम भूलते नहीं थे, फिर रोने लग गई। भगवान ने सोचा गोपियों का कष्ट, गोपियों का कष्ट अब भक्ति से केवल नहीं जाएगा, अब इनको ज्ञान का उपदेश देना पड़ेगा, क्यों इसके बाद श्री कृष्ण का फिर मिलने का संयोग नहीं होता है गोपियों से। भगवान कृष्ण ने यही कुरुक्षेत्र में गोपियों को दो श्लोक में ज्ञान का उपदेश दिया, केवल दो श्लोक में। आश्चर्य की बात है, वही भगवान कृष्ण वक्ता है जिन्होंने अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुनाई, 18 अध्याय 700 श्लोक। वही भगवान कृष्ण वक्ता है जिन्होंने उद्धव को पूरा 11वां स्कंध सुनाया भगवत का, वही वक्ता है। और वही वक्ता श्री कृष्ण है जिन्होंने गोपियों को दो श्लोक सुनाए और दो श्लोक में उनकी अविद्या की निवृत्ति हो गई। सुखदेव जी महाराज इसको प्रमाणित करते हैं, किसी को 700 श्लोक सुनाए, किसी को पूरा 11वां स्कंध सुनाया, तब जो अनुभव हुआ अज्ञान की निवृत्ति हुई। 18वें अध्याय में जाके अर्जुन कहता है नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाचित। 11वें स्कंध में अंत में उद्धव जी कहते हैं विद्रावितो मोह महांधकार या आश्रितो में तव संधिधाना। श्याम सुंदर मेरे अज्ञान की निवृत्ति हो गई आपकी कृपा से, उद्धव जी कहते हैं 11वें स्कंध पूरा सुनने के बाद, और गोपियों ने केवल दो श्लोक सुने, उससे वही काम हो गया जो अर्जुन और उद्धव को इतना सुनने के बाद हुआ। मतलब क्या निकला, गोपियों की अधिकार संपदा कहीं उद्धव और अर्जुन से बहुत ज्यादा थी, इतना प्रेम था श्री कृष्ण का कि हृदय बिल्कुल शुद्ध हो चुका था, दुनिया का कोई कलमस उनके जीवन में शेष नहीं था, एक आवरण का झीना सा पर्दा शेष था। और यही बोलते हैं श्रवण समकाल अविद्या की निवृत्ति जो हुई वो गोपियों की, श्रवण समकाल। और बहुत सहज से छोटे से दो श्लोक है सामान्य वेदांत के, कोई बड़ी बड़ी लक्ष्यदार अवच्छेद का विच्छेद वाली भाषा नहीं, कोई प्रक्रिया ग्रंथ वाली बातें नहीं, छोटी सी बात कहते भगवान कहते दो श्लोकों में गोपियों को, बड़ी सुंदर बात कहते। अहम ही सर्वभूतानां आदिरन्तोऽन्तरं बहिः भौतिकानां यथा कम्बा घोरवायुर्ज्योतिरङ्गनाः एवं हेतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना ततः उभयं मय्यत् परे पश्यता भातमक्षरे। अरे गोपियो तुम मेरे लिए वियोग व्यथा में रोती हो ना, सर्वरूप में मैं ही विद्यमान हूं। कैसे, जैसे पांच भौतिक पदार्थों में पंचभूत व्याप्त रहते हैं, या और सरल भाषा में समझे जैसे मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी व्याप्त रहती है सब जगह, जितने भी बर्तन हो मिट्टी एक जैसी सब जगह रहती है, सोने की ज्वेलरी में सोना व्याप्त रहता है, मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी व्याप्त रहती है, अर्थात जो निमित्त पाद अभिन्न निमित्त उपादान कारण है परमात्मा। अरे यहाँ सोने में और बर्तनों में तो उपादान कारण मिट्टी और सोना है, निमित्त कारण दूसरा है, लेकिन संसार के प्रति तो उपादान कारण भी भगवान है, निमित्त कारण भी भगवान है, माने मेटीरियल भी भगवान है और बनाने वाला भी भगवान है, बनने वाला भी भगवान बनाने वाला भी भगवान, वही बनने वाला वही बनाने वाला भगवान। कहते गोपियों सारे संसार के रूप में
तुम्हारी आत्मा के रूप में और मैं स्वयं अपने रूप में एक ही परमात्मा विद्यमान है, उसको आप श्री कृष्ण कहो, श्री राम कहो, भगवान शिव कहो, ब्रह्म कहो, जो तुम्हारी इच्छा शब्द से निरूपित करो वही एक परमात्मा विद्यमान है। ऐसे तुम अनुभव करो मैं तुम और ये सारा संसार एक ही अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा है। इतना ही उपदेश किया, इतने उपदेश से जब तक उत्तम अधिकारी नहीं होगा कहां से काम होगा। सुखदेव जी महाराज कहते अध्यात्म शिक्षया गोप्या एवं कृष्णेन शिक्षिता तदनुस्मरण ध्वस्त जीव कोशा। जीव कोश ध्वस्त हो गया माने अविद्या की निवृत्ति हो गई और श्री कृष्ण को आत्म रूप से गोपियां अनुभव करने लग गई। इसमें परहेज नहीं करना चाहिए भक्तों को। वही भगवान कृष्ण है जिनको आप लाला की सेवा करते हैं, लाला की बाल लीला देखते हैं, वही श्री कृष्ण गोपियों के साथ जिन्होंने रास लीला की, जिन्होंने गोपियों का चीर हरण किया, जिन्होंने गोपियों के यहाँ माखन चोरी की, वही श्री कृष्ण ज्ञान का उपदेश देते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं भक्तों को ज्ञान से परहेज नहीं करना चाहिए और ज्ञानियों को भक्ति से परहेज नहीं करना चाहिए।